पास में अब अगेन अगर मैं देखूंगा तो टोटल सारे के सारे क्या है अलोंग अ लाइन है तो सारे के सारे स्टोन्स कैसे होंगे एक लाइन के अलोंग होंगे तो अब टोटल 2n 1 स्टोन है तो लेट्स अगर ये मेरा फर्स्ट स्टोन है तो लास्ट स्टोन क्या होगा 2n 1 होगा ओके और मिडिल स्टोन क्या होगा अगर मैं देखूंगा तो तो मिडिल स्टोन होगा हमारे पास में n 1th स्टोन ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं यहां देखूं तो इससे हमें पता चला मिडिल प्लस मिडिल के कंपैरिजन में इस साइड भी एन स्टोन है और इस साइड भी एन स्टोन है ओके अब से हमारे पास में जो पर्सन है वो यहाँ पर स्टैंडिंग है ओके तो अब क्या होगा स्टोन है जैसे यहाँ सेकेंड स्टोन होगा फिर थर्ड स्टोन होगा फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स अप टू ऐसे ही लास्ट क्या होगा एन स्टोन होंगे है ना और सारे के सारे किस डिस्टेंस पे टेन मीटर के डिस्टेंस पे हमें गिवन है ये भी टेन है ये भी टेन है ये हमें गिवन है ओके तो सबसे पहले अगर पर्सन क्या करेगा इस कॉर्नर पे एंड कॉर्नर पे तो यहां से ये स्टोन पिक करेगा ओके यहां से इसने स्टोन पिक करा और ये स्टोन पिक करके कहा जाएगा सीधे सेंटर में जाएगा तो सीधे सेंटर में जाने के लिए क्या होगा ये यहां से यहां आ गया, आ गया ओके गया कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी अगर हम देखेंगे यहां से यहां जाने में टेन फिर यहां से यहाँ जाने में टेन फिर टेन ऐसे कितने होंगे कितने टाइम्स इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी एन टाइम्स क्योंकि एन स्टोन से बीच में तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई टेन एन अब इसे नेक्स्ट स्टोन पिक करना है तो लेट से ये या तो फिर ये सबसे क्लोज वाला भी पिक कर सकता है और ये सेकंड वाला भी पिक कर सकता है तो लेट से आई से कि सेकंड वाला पिक करने जाता है ओके सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल डिस्टेंस पे हम वो एंड में देखेंगे जब तो सी यहाँ तक आने में इसे कितनी डिस्टेंस लगी थी टेन एन तो यहाँ तक पहुंचने में एन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा टेन एन माइनस टेन या फिर बोल सकता हूँ टेन ऑफ एन माइनस वन अब यहाँ से इसने स्टोन पिक करा स्टोन पिक करके क्या होगा वापस आएगा ठीक है वापस आ गया यहाँ तक है ना तो टोटल कितने इसने क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करिए आने में भी टेन एन माइनस वन ऐसी क्या होगा नेक्स्ट वाले में क्या करेगा टेन टाइम्स ऑफ एन माइनस टू जाने में और आने में सिमिलरली लास्ट में मिनिमम क्या करेगा ये जब वो एन एथ स्टोन को पिक करेगा इस साइड में और इस साइड में तो क्या होगा टेन और टेन नाउ अब लास्ट जब इसने लेफ्ट हैंड साइड के सारे स्टोन पिक कर लिए तो अगेन ये सेंटर में है है ना अब सेंटर में है तो अब क्या होगा लेट्स सी है ना अब थोड़ा सा स्टोरी में चेंज आएगा पता है क्या इस साइड की पहले अगर मैं सारी डिस्टेंस का सम लिखू तो सबसे पहले फर्स्ट स्टोन के लिए लिखूंगा तो कितना जाएगी 10 जाने में सबसे क्या बोलते हैं यहां पे हमारा जो सेकंड वाला है इसमें कितना लगाता हमें टेन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन ओके और ये जाने में भी और आने में भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया बट लेकिन वो एक कॉर्नर पे था तो फर्स्ट वाले के लिए कितना लगा होगा ओनली टेन टाइम्स ऑफ एन अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में भी क्या है एन स्टोन है है ना एन स्टोन है ठीक है तो सेम केस देखेंगे अब की बार क्या होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसे अगर मैं यहाँ से फर्स्ट स्टोन को पिक करता हूँ तो टेन मीटर जाने में टेन मीटर आने में ट्वेंटी ठीक है उसके बाद सेकंड को करूंगा तो ट्वेंटी जाने में बिकॉज हर स्टोन कितने टेन टेन मीटर के डिस्टेंस पे और ट्वेंटी आने में बट अब की बार केस में डिफरेंट क्या होगा जैसे यहाँ से हम फर्स्ट में क्या रहे थे सिर्फ आ रहे थे बट इस वाले केस में क्या होगा हम जाएंगे भी एंड वापस भी आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ ओनली प्लस टेन एन किया था तो इस वाले केस में क्या होगा अगर मैं देखूंगा तो सारे केसेस टू टाइम्स होंगे क्योंकि हर केस में जाना भी है आना भी है तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी और अप टू क्या होगा इस वाले केस में टेन एन होगा ठीक है तो ये पूरा हो जाएगा

टोटल हमारे पास में इसमें टर्म्स इस, टर्म, इस सीरीज में हमारे पास में टर्म है n माइनस वन और ये एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है टेन है तो सम क्या समय टू इंटू क्या होगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू तो आएगा एन माइनस वन बाई टू इन टू टू है विच इज ट्वेंटी प्लस एन माइनस वन एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो वो कितने एन माइनस वन तो हो जाएगा एन माइनस टू टाइम ऑफ डी डी क्या है टेन ओके okay? फिर आएगा प्लस में टेन एन है ही सही है, हमारे पास में इसे ऐसे ही रहने देते हैं

ओपन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ भी टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास में एन माइनस वन इंटू ट्वेंटी प्लस एन माइनस टू इंटू टू तो आएगा फिर आएगा प्लस में टेन एन और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में आ जाएगा ट्वेंटी इंटू एन इज ट्वेंटी एन फिर आएगा प्लस में क्या आएगा अगर हम देखेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में अगर मैं देखूंगा तो टेन एन और एन को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा टेन एन स्क्वायर और माइनस में क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा हमारे पास टेन एन ओके तो और ये पूरी वैल्यू किस इक्वल है थ्री थाउजेंड के इक्वल है इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो सी प्लस ट्वेंटी से माइनस ट्वेंटी कैंसल आउट इक्वेशन आएगी टेन एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस में आ जाएगा टेन एन फिर आएगा प्लस में ट्वेंटी एन प्लस टेन एन स्क्वायर माइनस टेन एन इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड

प्लस एन माइनस थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ कैसे ब्रेक करूंगा लेट सी तो, तो प्लस एन को मैं क्या लिख देता हूँ इसको ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एन और माइनस में आ जाएगा थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो से अगर मैं टू एन कॉमन यहाँ से एन कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास में टू एन प्लस ट्वेंटी फाइव और यहाँ से क्या करता हूँ मैं माइनस ट्वेंटी फोर अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस ट्वेंटी फोर कॉमन लेती ही क्या आ जाएगा मेरे पास में अगेन या फिर क्या करता हूँ ही कॉमन लेता तो ले हूँ तो और आज इंटू एन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ से एन की दो वैल्यूज पॉसिबल है आइदर टू एन प्लस ट्वेंटी फाइव हो सकता है हमारा इक्वल टू जीरो और क्या हो सकता है एन माइनस ट्वेल्व हो सकता है इक्वल टू जीरो बट नो से मिलेगी हमें एन की वैल्यू माइनस ट्वेंटी और से की वैल्यू मिलेगी हमें इक्वल टू तो अगेन अगर एन की वैल्यू क्या होगी हमें पता है माइनस ट्वेंटी तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए है ना और यहाँ से हमें एन की वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रही ठीक है तो ये हमारा आंसर नहीं है हमारा आंसर कह एन इज इक्वल टू ट्वेल्व और टोटल स्टोन कितने थे हमारे तो टोटल स्टोन थे हमारे टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन कितना टू इंटू ट्व plus 1 which is equal to 25. so answer for this question is equal to 25.